आज की वीडियो में हम इंडिया में बिकने वाले 10 सबसे पॉपुलर पेन किलर टैबलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपकी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको इनमें से कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको हर मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज होनी जरूरी है क्योंकि हमें ये मेडिसिन कभी भी देखने को मिल सकती है, इसलिए हम अपनी वीडियोज़ में कोशिश करते हैं कि आपको सभी मेडिसिन, इंजेक्शन और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं और प्रोसेस हैं उन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो यहाँ पर हम आपको हर मेडिसिन का पहले साल्ट नेम बताएंगे, देन उसका ब्रांड नेम बताएंगे। तो साल्ट नेम और ब्रांड नेम क्या होता है इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की हमारी पहली मेडिसिन है आइबुप्रोफेन। तो ये काफ़ी पॉपुलर पेन किलर टैबलेट है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज़ की जाती है, यानी कि यदि किसी को हल्का दर्द हो या फिर थोड़ा ज़्यादा दर्द हो तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हेडेक, मसल पेन या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि है ब्रूफेन, जो कि 200 and 400 mg की टैबलेट में आपको मिल जाता है। इसकी 200 mg की टैबलेट बच्चों में यूज़ की जाती है जबकि 400 mg की टैबलेट्स अडल्ट्स में यूज़ की जाती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक। तो इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। इसका यूज़ हम सूजन और दर्द में करते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में, मसल पेन में और बोन पेन में। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है वोविरॉन। तो ये आपको वोविरॉन नाम से आसानी से मिल जाती है, जो कि आपको दो डोज में मिल जाती है, एक होती है 50 mg की डोज और एक होती है 100 mg की डोज। इसके बाद हमारी तीसरी पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन है निमूसलाइड। तो ये निमूसलाइड क्या है, इसका साल्ट नेम है और ये इसका यूज़ हम एक्यूट पेन में करते हैं, यानी कि यदि किसी को अचानक से दर्द होता है तो सभी प्रकार के अचानक से होने वाले दर्द में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है नाइस। ये आपको नाइस नाम से आसानी से मिल जाती है और इसकी आपको 100 mg की टैबलेट देखने को मिल जाती है। दैन इसके बाद है एसिलोफिनेक। तो एसिलोफिनेक एक साल्ट नेम है जो कि एक पेन किलर मेडिसिन है और इसका यूज़ स्टमक पेन, आर्थराइटिस और न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व पेन में भी करते हैं। और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है जीरोडोल। तो जीरोडोल नाम से आसानी से मिल जाता है और इसकी भी दो तरह की डोज देखने को मिल जाती हैं, एक होती है 100 mg की डोज और एक होती है 200 mg की डोज। तो डोज का सिलेक्शन कैसे करना होता है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करता है। इसके बाद यहाँ पर अगली मेडिसिन है ट्रामाडोल। तो ट्रामाडोल भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, इसका यूज़ हम मॉडरेट टू सीवियर पेन में करते हैं, यानी कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इसका यूज़ सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में भी करते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट को काफ़ी तेज़ दर्द होता है और इस टैबलेट से उसे जल्द ही आराम मिल जाता है। एंड इसके बाद है पैरासिटामोल। तो ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाती है, आपको ये हर मेडिकल स्टोर, इवन आपको ये किसी जनरल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाती है। इसका यूज़ हम एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों ही केस में करते हैं। एनाल्जेसिक मीन्स सभी तरह के दर्द में और एंटीपायरेटिक मीन्स बुखार में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है डोलो, जो कि 650 mg में देखने को मिल जाता है और लो डोज में ये प्रेगनेंसी में सेफ रहती है। इसके बाद हमारी सेवन्थ नंबर की पेन किलर मेडिसिन है इटोरिकॉक्सिब, जो कि इसका सॉल्ट नेम है और इसका यूज़ हम सभी प्रकार के जॉइंट पेन में करते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, गाउट, गठिया आदि। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है इटोसाइन, जो कि आपको तीन तरह की डोज में देखने को मिल जाता है, 60 mg, 90 mg एंड 120 mg। इसके बाद अगली पेन किलर मेडिसिन है पायरोक्सिकैम, जो कि स्पेशली बच्चों में होने वाले जोड़ों के दर्द में यूज़ की जाती है और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है डोलोनेक्स डीटी, जो कि आपको 20 mg की डोज में देखने को मिल जाता है और ये प्रेगनेंसी के समय अनसेफ रहती है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देन यहाँ पर हमारी नाइन्थ नंबर की मेडिसिन है मेफ्टाल स्पास, जो कि आपको इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसमें दो सॉल्ट पाए जाते हैं, मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमीन HCl, और इसका यूज़ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में किया जाता है, यानी कि महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसके बाद है किटोरोलैक। तो ये इसका सॉल्ट नेम है और आपको ये किटोरोल डीटी नाम से मिल जाता है, इसका यूज़ दांतों में होने वाले दर्द के लिए किया जाता है। अब हम कुछ पॉपुलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन को आपस में मिला देते हैं, जिससे उनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन की जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो है ट्रामाडोल और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन। तो इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है अल्ट्रासेट, जिसमें आपको ये दोनों मेडिसिन देखने को मिल जाती हैं। अब हम ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, तो वो है एसिलोफिनेक प्लस पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन। तो इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है जीरोडोल पी, जिसमें आपको ये दोनों ही सॉल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब हम ऐसी पेन किलर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि प्रेगनेंसी या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है, तो वो है PCM यानी कि पैरासिटामोल। तो यदि हम प्रेगनेंसी के समय पैरासिटामोल की लो डोज को यूज़ करते हैं तो वो उस समय सेफ मानी जाती है। यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पेन किलर मेडिसिन के बारे में जान लिया है, आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको किसी डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह के आधार पर ही इन्हें इस्तेमाल करना है। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।